था तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया, सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया, और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था महिलाओं के लिए, अब आप सोच लीजिए कहीं था, और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही सब जगह बहाली में, हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया और पुलिस में भी किया 35%, और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है, तो ये सब हम लोग किए। और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो हम किया स्वयं सहायता समूह में, कितनी बड़ी संख्या, तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो एससी और एसटी का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए, तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो ये तो हमको जो करना था ट्वीट हम कर दिए हैं, तो आप लोग तो देखे किए, अब आज सुन ला हमारा शुरू किया हुआ है 8 से 9:30 बजे से, तो आज तक तो हम मान लीजिए वहां रहते थे, पहले आते थे 12-13 तक, तो हमको लगा कि लोग देर से आ रहा, तो हम कल ही कहे कि हम आज से अब आवेंगे, तो हम देखे 9:30 बजे आ गए और सबका हाल चाल देखे भी नहीं है, अब हम फिर पूरा देखेंगे ये सब आया कि नहीं आया समय पर, और बाकी तो सबका भी देखेंगे, तो हम आते रहेंगे 3 दिन सप्ताह में, 2 दिन तो लोगों को बाहर का भी ड्यूटी लगाते हैं, तो 3 दिन हम आ जाएंगे 9:30 बजे यहाँ, समझ गए ना, और 2 दिन आप समझ लीजिए वहाँ सचिवालय वहां पर, और तब हम अपना ऑफिस वहां में बैठते, ऐसे नहीं बैठेंगे, वहीं पर सारा काम करते थे, तो हम सोचे यहाँ आएंगे, अब पहले आप लोग भी रहते थे, अब आप लोग भी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, सर बहुत सी पार्टियां क्रेडिट लेने को लेकर भी नहीं, परिसीमन हो जाता तो जल्द लाभ मिलता है, बहुत जल्दी हो जाएगा, हो जाना चाहिए सर। एक सवाल है सर, बहुत सी पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए इसमें आ गई है, कांग्रेस कह रही है कि हमने राजीव गांधी के समय लाया था, बीजेपी कह रही है कि आपकी ये मंशा नहीं थी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर, आप भी उस समय थे, खेलिए नहीं ना, बोल रहे हैं ना, हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो सब दिन ही बोलते रहे हैं कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को, काहे नहीं महिलाओं को होगा, हम तो आप जलिए याद करिएगा ना, अगर पुराना मेरा सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा, बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है कि सब पार्लियामेंट में और असेंबली में सब जगह महिलाओं को भी पक्का आरक्षण मिलना चाहिए।